ओके सर, नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांचड़िया। स्वागत है आपका और एक श्योर शॉट AFM सक्सेस सूत्र में। और आज अपन करने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉल्ड है शार्पे इंडेक्स मॉडल, अ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसको प्यार से रेसिडुअल एरर फॉर्मूला भी बोलते हैं, इसको प्यार से अनसिस्टमैटिक रिस्क फॉर्मूला भी बोलते हैं। विच एवर वे यू वॉन्ट डू इट, गारंटीड एक अराउंड 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें। एंड आई विल बी टीचिंग यू द फॉर्मूला एज वेल एज अ क्वेश्चन ऑफ ICAI मॉड्यूल विद इन 15 मिनट्स। तो मुझे आपके 15 मिनट चाहिए एंड आई अश्योर यू दैट ऑल ऑफ दैट विल बी डन। सो ये अपन लोग कहां से पढ़ने वाले हैं वो बताऊं मैं उसके पहले, प्लीज स्टे सब्सक्राइब बिकॉज पेपर 2 AFM है, SCPM है या पेपर 6 IBS है, ये सबके लिए यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा। सो डेफिनेटली यू वॉन्ट टू स्टे सब्सक्राइब टिल दी एंड एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। प्लस आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आपको और क्या चाहिए। तो मैं आप लोगों को कराने वाला हूं ये पूरा मैजिक बुक से। इन केस सर हमारे पास मैजिक बुक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेलीग्राम का मैंने इधर कमेंट में मेरा जो पिन कमेंट है उसमें मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, आपको ये पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा थ्रू विच यू कैन डाउनलोड। बट मेरा सजेशन हमेशा रहेगा दैट डेफिनेटली मैजिक बुक खरीद लेना बिकॉज हार्डली इट इज जस्ट 299 रुपीज, बट एग्जाम डे पे सारे के सारे फॉर्मूलाज एक जगह पे अगर आपको चाहिए देन डेफिनेटली दिस इज वॉट यू वॉन्ट। प्लस इसी के बेसिस पे मैंने मेरे रिविजन लेक्चर्स भी डाल दिए हैं यूट्यूब के ऊपर, सो आई एम श्योर दैट विल ऑल्सो बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। सो फॉर नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ शार्पे इंडेक्स मॉडल। एंड ये इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां से कर सकते हो। जिसके पास ऑलरेडी मैजिक बुक है यू कैन कम टू पेज 12, यहां से अपन लोग इसको फटाफट समझ लेंगे एंड गेट दिस कॉन्सेप्ट डन इन डस्टेड। ऑलराइट गाइस, ऐसे और भी चीजें लेकर आते रहूंगा, डू लाइक एंड शेयर इट विद हूएवर रिक्वायर्स इट। बाकी कमेंट में आप लोग बता सकते हो कैसा लगा वीडियो और आपको और कौन से सेशंस चाहिए या कॉन्सेप्ट चाहिए, I'll get it done for sure for you. Stay subscribed. Let's start. अब देखो, शार्पे इंडेक्स मॉडल इज बेस्ड ऑन द कनेक्शन फ्रॉम मार्कोविट्स। मार्कोविट्स ने क्या बोला था पता है क्या, कि टोटल रिस्क क्या होता है। शार्पे ने उसको डिवाइड किया इंटू सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क तो पूरा का पूरा बीटा उसी के ऊपर बेस्ड है, सो वी नो वॉट इट इज। बट जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है जिसको डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन होता है इन्वेस्टर का कि वो रिस्क भी मेरा रिकवर हो जाए। तो अनसिस्टमैटिक रिस्क और रेसिडुअल एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अपन आज सीखने वाले हैं यूजिंग द शार्पे इंडेक्स मॉडल। सो अगेन आई एम टेलिंग यू के सबसे इंपॉर्टेंट जो मार्कोविच ने बताया वो था टोटल रिस्क क्या होता है। इसी टोटल रिस्क को डिवाइड किया हमारे शार्पे ने और शार्पे इंडेक्स मॉडल बनाया, जिसमें उसने बोला कि बॉस दो तरह के रिस्क होता है, एक होगा सिस्टमैटिक रिस्क और दूसरा होगा अनसिस्टमैटिक रिस्क। टोटल रिस्क क्या होता है, तो टोटल रिस्क होता है वराइंस। नाउ वराइंस इज व्हाट, सिग्मा स्क्वायर। एंड फिर बाद में इसको इधर डिवाइड किया इंटू सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। अब इस शार्पे इंडेक्स मॉडल में है ना दो चीजें होती है, एक इंडिविजुअल लेवल पे कैलकुलेशंस और दूसरा पोर्टफोलियो लेवल पे कैलकुलेशंस। फिलहाल मैं आप लोगों को यहां पे डिस्कस कर रहा हूं इंडिविजुअल, और 5 मिनट बाद डिस्कस कर लूंगा जब इंडिविजुअल हो जाएगा आप लोग के साथ डिस्कस कर लूंगा पोर्टफोलियो लेवल का भी। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। सो इंडिविजुअल लेवल का मतलब क्या हुआ, इंडिविजुअल लेवल का मतलब होता है कि सपोज फॉर एग्जांपल एक कोई एक शेयर ले लो रिलायंस, मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में एक शेयर है और उसका मुझे सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट करना है, या मेरे पास है टाटा मोटर्स, TCS और इंफोसिस, तो उनका मैं कैसे कैलकुलेशन करूंगा। तो यहां पे मैं बोलूंगा कि भाई मेरा जो सिक्योरिटी है उस सिक्योरिटी का टोटल रिस्क क्या है, उस सिक्योरिटी का टोटल रिस्क इज रिप्रेजेंटेड एज वराइंस, जो अपन लोग ने मार्कोविट्स प्रॉफिट मार्कोविट्स की MPT में मॉडर्न पोर्टफोलियो थियोरी में अपन लोग ने सीखा ही है कैलकुलेट करना। सो आई नो हाउ टू कैलकुलेट इंडिविजुअल सिक्योरिटी का वराइंस, तो वो मैं पहले कैलकुलेट कर लूंगा। फिर सिस्टमैटिक रिस्क का उसने शार्पे इंडेक्स मॉडल में फॉर्मूला दिया है, एंड दैट इज बीटा स्क्वायर ऑफ द सिक्योरिटी। कौन सी, ये एक सिक्योरिटी या तो इंफोसिस, TCS, रिलायंस, जिसकी भी अपन बात कर रहे हैं, वो मल्टीप्लाई बाय
सिग्मा स्क्वायर ऑफ मार्केट। तो ये अपन लोग कैलकुलेट करेंगे, एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क जिसको अपन प्यार से रेसिडुअल एरर बोलेंगे विल बिकम माय बैलेंसिंग फिगर। तो क्वेश्चन में आपको यहां पे वो इंडिविजुअल सिक्योरिटी का वरायंस कैलकुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन देगा, इंडिविजुअल सिक्योरिटी का बीटा कैलकुलेट करने के लिए, एंड इंडिविजुअल यू नो मार्केट का जो वरायंस है वो तो ऑब्वियसली गिवन ही होगा। तो ये चीज से आप यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द इंडिविजुअल सिक्योरिटीज टोटल रिस्क विच इज वरायंस, बीटा का आप इंडिविजुअल सिक्योरिटी का बीटा स्क्वायर कैलकुलेट कर पाओगे, बीटा कैलकुलेट कर लोगे उसको स्क्वायर कर लोगे तो बीटा स्क्वायर मिल जाएगा, एंड वेरिएंस ऑफ द मार्केट विल आल्सो बी गिवन एज अ बैलेंसिंग फिगर, आपको मिल जाएगा अनसिस्टमैटिक रिस्क। समझ में आया? तो आप क्या करोगे यहाँ पे, आप लिख दोगे टोटल रिस्क इज इक्वल टू सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क। टोटल रिस्क कैसे कैलकुलेट करोगे, जो इंडिविजुअल सिक्योरिटी है उसका वरायंस इज इक्वल टू सिस्टमैटिक रिस्क, कैसे कैलकुलेट करोगे उस इंडिविजुअल सिक्योरिटी का बीटा, उसको स्क्वायर कर देंगे मार्केट का वरायंस, एंड बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा मेरा अनसिस्टमैटिक रिस्क। क्या ये आप लोगों को समझ में आ गया? तो समझ लो आप इंडिविजुअल लेवल पे अनसिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट करना आपको आ गया यूजिंग द शार्पे इंडेक्स मॉडल। अच्छा, बीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हो। बीटा इंडिविजुअली कैलकुलेट करने का बहुत सारे फॉर्मूलाज है, वन रिलेटिंग टू कोवेरियंस, कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी एंड मार्केट अपॉन वेरियंस ऑफ द मार्केट, उससे कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट का भी फॉर्मूलाज है, तो RSM into sigma of security upon standard deviation of market या sigma of market से भी आप calculate कर सकते हो। So obviously उसके लिए एक separate video है, you can check के beta calculation कैसे हो सकती है through that video, but फिलहाल I am assuming कि आपको beta calculate करना आता होगा, तो beta of security into standard deviation variance of the market calculate कर लिया, variance of the security calculate कर लिया, you will get the balancing figure unsystematic risk। अब दूसरा मेरे पास आता है यहाँ पे कि अगर पोर्टफोलियो लेवल पे मेरे को कैलकुलेट करना हो तो पोर्टफोलियो लेवल पे शार्पे इंडेक्स मॉडल कैसे कैलकुलेट करोगे, तो फॉर्मूला आपका सेम ही रहेगा, विच इज टोटल रिस्क इज इक्वल टू सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क। बेटा टोटल रिस्क क्या होगा, अब यहाँ पे पोर्टफोलियो इन्वॉल्व है, तो टोटल रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो विल बिकम करेक्ट। So, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर पीएफ लिख देता हूं मैं, पीएफ मतलब पोर्टफोलियो का टोटल रिस्क। वो अपन लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, अरे यार बचपन से कैलकुलेट करते आ रहे हैं ये, तो अपन लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वेट ऑफ ए स्क्वायर, याद आया, सिग्मा ए स्क्वायर, वेट ऑफ बी स्क्वायर, सिग्मा बी स्क्वायर, बराबर है, प्लस टू कोवेरियंस ऑफ ए बी इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी। क्या अपन लोग ऐसे अपन लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, द आंसर इज यस। सिस्टमैटिक रिस्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी विल डू सेम फॉर्मूला, बीटा को यूज करेंगे अपन लोग यहाँ पे, बट अब बीटा किसका, पोर्टफोलियो का, तो पोर्टफोलियो का बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मार्केट का स्क्वायर विच इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। अनसिस्टमैटिक रिस्क अब आपको दे दिया होगा, तो कई बार क्या होगा, से आपके पास यहां पे अनसिस्टमैटिक रिस्क होगा, सिस्टमैटिक रिस्क होगा, हो सकता है एज अ बैलेंसिंग फिगर आपको टोटल रिस्क कैलकुलेट करना हो, और अदर वे राउंड एज द केस मे बी, राइट। अब अनसिस्टमैटिक रिस्क इन अ पोर्टफोलियो लेवल कैसे आपको कैलकुलेट करना है, तो पोर्टफोलियो में तो कहना इसे वेट्स होते हैं, तो वेट्स ऑफ ए, अज्यूम कि भाई दो तीन सिक्योरिटीज है, तो वेट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय, ध्यान से सुनना, रेसिडुअल एरर ऑफ ए, ये आपको क्वेश्चन में वो देगा। तो सब कुछ स्क्वायर में है, तो सीधी सी बात है आपका जो वेट है ना ये भी स्क्वायर में होगा। समझ में आया? सर ये आपको गिवन होगा, वेट भी आप खुद से कैलकुलेट कर पाओगे। अब ये तो हुआ पोर्टफोलियो की एक सिक्योरिटी का, समझो आपके पास दो सिक्योरिटी है, तो वेट ऑफ बी स्क्वायर इनटू रेसिडुअल एरर ऑफ बी स्क्वायर दिया होगा ये, समझ रहे। कभी कभी क्या होगा पता है क्या, आपको पहले वो लोग बोलेंगे कि इंडिविजुअल लेवल पे आप शार्पे इंडेक्स को यूज करके
अनसिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट करो। तो इंडिविजुअल लेवल पे आप कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल रिस्क इज इक्वल टू सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क बैलेंसिंग फिगर मिलते गए आपको, बराबर है। अब यहाँ पे आप लोग वो अनसिस्टमैटिक रिस्क को यूज कर सकते हो जो बैलेंसिंग वाला था, इनटू वेट आपके पास क्वेश्चन में अवेलेबल होगा, तो वेट स्क्वायर इनटू वन सिस्टम, ये रेसिडुअल एरर का स्क्वायर जो अपने को ये इंडिविजुअल लेवल वाले से आया, वी विल बी एबल टू कैलकुलेट। सो अनसिस्टमैटिक रिस्क आ गया, सिस्टमैटिक रिस्क आ गया, बैलेंसिंग फिगर कई बार आपको टोटल रिस्क, टोटल वेरियंस पोर्टफोलियो का कैलकुलेट करना है, एफए भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। और इसके लिए मैं आप लोगों के साथ लाया हूं आईसीएआई का, जी हाँ, एक क्वेश्चन, आईसीएआई का एक क्वेश्चन। सो अगर आप लोग ये मेरे नोट्स को ओपन करोगे, एज आई टोल्ड यू ऑल, टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, या आपके पास मैजिक बुक है देन वेल एंड गुड, बिकॉज ये आपको मैजिक बुक में मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आईसीआई मॉड्यूल का है, जिसमें आपको बोला है पोर्टफोलियो वेरियंस यूजिंग शार्पे इंडेक्स मॉडल। 2 मिनट आप लोग देखना, आपको समझ जाएगा। अब यहां पे देखो पोर्टफोलियो का वेट दिया हुआ है, मतलब इंडिविजुअल शेयर का वेट दिया है, तो क्या अनसिस्टमैटिक रिस्क के लिए मैं यूज करूंगा? हाँ, तो अनसिस्टमैटिक रिस्क का जब मैं पोर्टफोलियो लेवल पे कोई कैलकुलेशन मुझे बोला, तो वो लोग क्या बोलते हैं, वेट ऑफ ए स्क्वायर, तो वेट ऑफ ए मतलब 0.2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्या बोला है, रेसिडुअल एरर ऑफ ए का स्क्वायर। अब ये अगर मेरे को नहीं दिया है तो कैन आई से ये मैं इंडिविजुअल लेवल पे कैलकुलेट कर सकता हूं? कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो मैं बोलूंगा अनसिस्टमैटिक रिस्क इज इक्वल टू टोटल रिस्क माइनस सिस्टमैटिक रिस्क, बेटा माइनस सिस्टमैटिक रिस्क। अब अगर क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो क्वेश्चन में देखो टोटल वेरियंस दिया है, तो ए का टोटल रिस्क वो लोग ने दे दिया, तो अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ ए, अनसिस्टमैटिक रिस्क, हेलो, अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ ए, मैं क्या करूंगा, टोटल वेरियंस विच इज 0.015 माइनस, मैं क्या कर दूंगा, सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, बीटा ऑफ ए स्क्वायर इनटू मार्केट ऑफ ए स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो आप लोगों को 10% दे दिया है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ही अपने को तो वेरियंस चाहिए, तो कहना ही सही, यहाँ पे उसको स्क्वायर कर देंगे अपन लोग 10% को, तो वो अपना काम हो जाएगा। एंड बीटा, बीटा ऑफ ए वो लोग ने दिया हुआ है 0.4, तो कहना ही सही, इसको भी मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। सो व्हाट आई विल डू इज दिस, सो मेरे को दे दिया है यहाँ पे बीटा एंड दैट इज 0.4 स्क्वायर, वो कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट, दिया अपने को वेरियंस करना है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट कितना दिया है, देखो जरा, देखो इधर ही कैलकुलेट करके बताता हूँ, देखो 10% मतलब 10/100 मतलब 0.1 भाई, 0.1, पर अपने को इसका स्क्वायर चाहिए, तो 0.1 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 0.01, तो 0.4 स्क्वायर इनटू 0.01, इधर थोड़ा खिचड़ी बन गया, बट आई एम श्योर वी आर एबल टू मैनेज इट, नहीं है अगर तो मैं इधर तुम लोग को बता देता हूँ, चलो किधर गया, हाँ ये रहा, देखो भाई, टोटल रिस्क इज इक्वल टू सिस्टमैटिक प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क, टोटल रिस्क ऑफ ए क्वेश्चन में दिया है 0.015, सिस्टमैटिक रिस्क में बीटा है, बीटा का स्क्वायर कर लिया इनटू, अब वो लोग ने इधर आपको दिया है स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू 10% विच इज 0.1, अपने को चाहिए स्क्वायर ऑफ मार्केट, तो 0.1 को स्क्वायर करते हैं तो 0.01 हो जाता है। मेरे को एक बात बताओ, 0.4 इंटू इज इक्वल टू इंटू 0.01 बराबर है माइनस 0.015 किया, तो अपने को एज अ बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा अनसिस्टमैटिकली विच इज 0.0134। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, ये जो मेरा आ गया वो बैलेंसिंग फिगर आ गया है 0.0134, तो वेट ऑफ ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेसिडुअल एरर स्क्वायर 0.0134। अगर आप लोग यहां पे नोट करोगे तो ये देखो अनसिस्टमैटिक वेरियंस ऑफ पोर्टफोलियो 0.2 स्क्वायर, क्योंकि वो उसका वेट है 0.2 स्क्वायर, वो उसका वेट है अनसिस्टमैटिक रिस्क का, मल्टीप्लाई बाय रेसिडुअल एरर जो हम लोग ने यहां से ऊपर से कैलकुलेट किया बेटा 0.0134, तो देखो ना A is equal to 0.015 minus 0.0016, ये कैसे आया, beta square into sigma square of market, तो 0.015 minus 0.0016 कर दिया तो 0.00134 आया, तो ये इधर 0.00134 residual error of A अपन ने अपनी मेहनत से निकाला multiply by weight of A square करते गए, and that way I will get the total unsystematic risk। systematic risk of portfolio अपने को पता ही है,
कैसे, सिग्मा स्क्वायर ऑफ मार्केट इनटू बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर करना है। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इधर अपन ने 0.66 निकाला है, उसका स्क्वायर करना है। टोटल वेरिएंस इसी के साथ मेरे को मिल जाएगा एंड इसी के साथ मेरा शार्पे इंडेक्स मॉडल कंप्लीट होता है। अगर आप लोग यहाँ पे नोट करोगे तो देखो, जब आप अपना मैजिक बुक ओपन करोगे तो मैंने एकदम इजीली दे दिया है टोटल रिस्क, सिस्टमैटिक प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क इंडिविजुअल लेवल पे कैसे कैलकुलेट होगा, वो बी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर मार्केट प्लस एरर बराबर है। तो अब यहाँ पे ये अगर आपको एरर दिया है तो ठीक है, अदरवाइज इट विल बिकम अ बैलेंसिंग फिगर, अदरवाइज इट विल बिकम अ बैलेंसिंग फिगर, जैसा अपन लोग ने देखा 0.015 माइनस 0.0016। एंड दूसरा पोर्टफोलियो लेवल पे बीटा स्क्वायर ऑफ पोर्टफोलियो इनटू सिग्मा स्क्वायर मार्केट प्लस वेट ऑफ ए स्क्वायर इनटू अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ ए, वो अपन लोग ने कैसे कैलकुलेट किया, यहां से एज अ बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट किया। समझ में आ गया। इन क्वेश्चन इफ अनसिस्टमैटिक रिस्क इज नॉट गिवन इट विल बी कैलकुलेटेड एज अनसिस्टमैटिक रिस्क इज वेरिएंस एज पर एमपीटी मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी माइनस सिस्टमैटिक रिस्क एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। ओके सो आई होप समझ में आ गया होगा। यू कैन डाउनलोड दीज नोट्स फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल। कैसा लगा आपको सेशन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड और कौन सा आप लोगों को कॉन्सेप्ट चाहिए लेट मी नो। स्टे सब्सक्राइब, स्टे कनेक्टेड, कीप स्माइलिंग। यस, इस बार AFM आपका भी 80 पार 101%। टेक केयर, बाय बाय।